नई विश्व व्यवस्था गठन के संकल्प के साथ अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन संपन्न। देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायविद व अन्य प्रख्यात हस्तियों ने नई विश्व व्यवस्था हेतु विश्व समाज के एकजुट होने का आह्वान किया। आइए बात करते हैं संस्थापक जगदीश गांधी जी से। फ्रेंड्स, वी नाउ कम टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन वेटिंग फॉर, व्हिच इज टू हियर एटलीस्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑफ द मोस्ट एमिनेंट जजेस एंड हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड अदर लीडर्स हु आर प्रेजेंट हियर टुडे। मे आई कॉल अपॉन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस Anthony Thomas Aquinas Carmona, 5th President of the Republic of Trinidad and Tobago from 2013 to 2018, to very kindly speak about what he would like to say about the conference. Thank you very much and good morning to everyone. I think it would be remiss of me if I didn't thank the convener of this conference, Dr. Jagdish Gandhi, Professor Gandhi, Mrs. Gandhi, and the entire executive of the school for producing what I can only refer to as an exceptional program. देखिए, यहाँ पर विश्व शांति के सबसे बड़ी बात की है, वो सर्वसम्मति से एक ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि विश्व की संसद बनाना बहुत जरूरी है। विश्व की संसद बनाए बिना ये संभव नहीं है कि विश्व की एक शांति आ सकी। तो इस विश्व शांति के लिए वर्ल्ड का एक लॉ बनाना पड़ेगा और लॉ बनाने के लिए एक लॉ की संस्था बनानी पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी वर्ल्ड की पार्लियामेंट। वर्ल्ड का लॉ वही बना चुकी है। बात यह है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 वो कहता है कि भारत का गणना ये प्रश्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का निर्णय ये प्रश्न करेगा कि सारे विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानपूर्ण संबंध हो। तीसरा, भारत का निर्णय ये प्रश्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और ये कानून संसार के सभी राज्य पालन करें, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो कानून के अंतर्गत लाया जाए। और चौथा है, भारत का गणराज्य ये प्रश्न करेगा कि सारे विश्व में एक आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से या आर्मी से, युद्धों से नहीं, बल्कि आर्बिट्रेशन से हो। प्रश्न है आर्बिट्रेशन कौन करे। हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद ही चल रहा है और आज तक यूनाइटेड नेशन हल नहीं कर पाया। इसराइल और फिलिस्तीन की इतनी लड़ाइयाँ हो गई वो हल नहीं कर पाया। और आप देखें तो इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई, इराक ईरान की लड़ाई, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की लड़ाई और दुनिया में अभी सीरिया में इतना भयंकर प्रॉब्लम हुआ है और इसराइल दुनिया के प्रश्न, तो अभी तक यूनाइटेड नेशन की हम तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम यूनाइटेड नेशन कर रहा है। देखिए, ये सारे दुनिया में टेररिज्म आखिर बार बढ़ता जा रहा है। ये झगड़े शिया सुन्नी के, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के, निरंकारी अकालियों के, हिंदू और मुसलमानों के, ये सब जगह बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में तो हिंदू सिखों का इतना बड़ा दंगा हुआ, एक सरदार ने, दशमत जी ने एक इंदिरा जी को मार दिया, तो अपराधी कड़े से कड़ा दंड तुरंत मिलने आना चाहिए। उसको 15-20 साल लगे क्योंकि हिंदू भड़क गए और हजारों सिखों को मौत के घाट उतारे, सैकड़ों ट्रक भर के इलाके मौत से निकाली। और इधर पंजाब में पता लगा हिंदू मार रहे तो सिखों ने हिंदुओं को मारा, सैकड़ों और हजारों ट्रक भर के लाशें वहां से निकाली। तो ये तो दिमाग में भरा पड़ा है कि हम सब अलग अलग हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा परसों का सेशन हुआ 21वीं शताब्दी में, हमारा जरूर क्या हो शिक्षा का, उसमें यही बात कराया, हमें बच्चों को बात बतानी है ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, हम सबका बनाने वाला परमेश्वर एक है और जितने भी अवतार आए हैं हम सबकी आत्मा में जो आत्मा तत्व आया वो एक परमात्मा से आया। जो दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ
जो संदेशा में प्राप्त हुआ, एक परमात्मा से प्राप्त हुआ, ये सारे संदेश चाहे गीता का हो, चाहे त्रिपुटी का जो बुद्ध को मिला, चाहे बाइबिल जो यीशु मसीह को मिली, चाहे कुरान शरीफ जो मोहम्मद साहब को मिली, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जो नानक जी को मिला, चाहे किताबें जो बाबुल दास को मिली, ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई है। इन सबका स्रोत एक परमात्मा है, सारे धर्मों का स्रोत एक परमात्मा है। ये ज्ञान है, स्कूल मस्ट बी रेस्टोर विद ट्रेडिशनल रोल एंड द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी एंड टीचर मस्ट बी रेस्टोर विद ट्रेडिशनल रोल एज ए ट्रांसमीटर ऑफ मॉरलिटी ट्रेडर और कलेक्टर एंड कल्चर इन कल्चर। तो जब तक हमारा स्कूल रिवाइव नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। और इसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि हम संसार में विद्यालय समाज के प्रकाश करते हैं। इसका काम केवल बच्चों को शिक्षा देना नहीं, स्कूल इज अ लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। ये पेरेंट्स को भी और समाज को भी मार्गदर्शन देना है कि ये स्कूल मार्गदर्शन देने के लिए काम कर रहा है। समाज को मार्गदर्शन हम ये दे रहे हैं कि हम दुनिया के लोगों अब एक हो जाओ, ढाई अरब बच्चों का भविष्य, ढाई अरब बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 मिलियन चिल्ड्रन। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों के वास्ते सारी दुनिया को एक होने का जरूरत है। और इसीलिए आज दुनिया के 6 महाद्वीपों के 71 देशों के 370 चीफ जस्टिस ऑफ जजेस भारी तादाद में आए। ये सब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के लिए नहीं आए, नए ज्योतिष गांधी के लिए आए, ये आए हैं कि बच्चों का भविष्य, संसार के बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, असुरक्षित होता जा रहा है। इतने इतने बम बन रहे हैं, न्यूक्लियर बम, न्यूट्रॉन बम, उतना ही भविष्य उनका अंधकार में और असुरक्षित और हिंसीकरण और इंटरनेट हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए आ रहे हैं और उसके लिए भारतीय संविधान में हम चीज 51 पर आ रहे हैं, जिसके लिए इसके लिए आए हैं। हमारी फिलोसफी है, हमारी सभ्यता है, उसका मूल मंत्र है दार चरिता नाम तो बस दही बच्चों, उसी के ऊपर ये संविधान का अनुच्छेद 51 बना है। और इस अनुच्छेद 51 की ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये इसी के लिए जो लोग आ रहे हैं, वो अनुच्छेद 51 की कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, वो बचना को कुटुम बना रहे हैं। और सबका एक ही मत है कि सारी दुनिया के लिए एक कानून कराना चाहिए, जिसके लिए वोट की पार्लियामेंट जरूरी है, वोट फोर जरूरी है, वोट की गवर्नमेंट जरूरी है, जिसके लिए सारे राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री होता है, वही हमारा उद्देश्य है। और उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस पिछले 19 वर्षों से हो रही है और पिछले वर्ष 1098 चीफ जस्टिस और जजेस इतने 126 देशों से आए थे और इस पर 71 देशों से 370 चीफ जस्टिस जजेस आए। ये बढ़ता ही जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इसका उद्देश्य यही है कि अब सब दुनिया में ये जागृति हो चुकी है कि दुनिया को बचाने के लिए दुनिया की एकता जरूरी है। तो आपने देखा कि संस्थापक जो CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हैं, जिनका प्रेस वार्ता जो रखी गई थी राजधानी के क्लार्क अवध में रखी गई, और उन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से अपनी बात रखी कि वो देश में नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। और विश्व से आई हुई सभी महान सम्मानित सदस्यों को उन्होंने सम्मानित किया। अगर आपको ऐसे ही हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके पास हर खबर आप तक के पहुंचाते रहेंगे। और इसके अंदर आप हमारे सहयोगी भी बन सकते हैं, केवल एक पुनीत कार्य करके, जो शेयर वाला बटन आता है उससे शेयर करके अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए।